नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। बॉलीवुड के एक्टरों की मदद से सीतापुर जनपद का नाम रोशन करने के लिए कुछ लोगों ने एक फिल्म अव्वा का शुभारंभ किया, जिसकी शूटिंग आज नेमी सराय धाम में हुई। इस फिल्म के किरदार अधिकतर सीतापुर जनपद के रहने वाले। इसके अलावा दूरदराज जैसे मुंबई, नेपाल से भी कुछ एक्टर काम करने। इस फिल्म के डायरेक्टर राजीव प्रसाद की माने तो ये फिल्म 40 से 45 दिन में बनकर तैयार हो जाएगी व ऑन स्क्रीन सभी दर्शकों को देखने को मिलेगी। वही डायरेक्टर राजीव प्रसाद के माध्यम से इस फिल्म अब्बा के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो आजकल अफवाहें चल रही हैं उन पर ध्यान न देते हुए सच्चाई जानने की कोशिश करें। इस अफवाह के पीछे न भागें, क्योंकि अफवाह के पीछे भागने पर लोगों को कभी कभी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ जाती है। वहीं इस फिल्म के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीपाल वर्मा का बहुत ही अहम सहयोग रहा। इनके माध्यम से सीतापुर जनपद में फिल्म की शूटिंग व फिल्म बनकर सीतापुर के किरदारों द्वारा तैयार की जा रही है। जितने भी कलाकार हैं इस फिल्म को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं। वह कलाकारों ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। फिल्म के माध्यम से जो लोग अफवाह के पीछे भागते हैं वे ऐसा ना करें, इसकी सच्चाई जांचने का प्रयास करें, किसी भी अफवाह को सच ना माने। एग्जिट कर जाओ, जिधर भी करना है। करो 1 2 3। रीस्टार्ट, दोबारा। ये जो फिल्म है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, इस फिल्म का नाम है अफवाह। और ये विचार मेरे मन में इसलिए आया कि तमाम हमारे जनपद के सीतापुर के ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट है और उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई प्लेटफार्म नहीं मिल पा रहा। इस विचारधारा से मैंने, इसमें मेरे कुछ दोस्तों ने मेरी मदद की और इस फिल्म को बनाने का आज से इसकी स्टार्टिंग शुरू की है। और मेरा ये जहाँ तक मानना है कि ये पिक्चर सक्सेस होगी और हमारे जनपद सीतापुर का नाम रोशन होगा और उन बच्चों को भी तमाम रोजगार मिलेगा जो बेचारे बगैर पैसे के इनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है। और मैं इन्हें, इस पिक्चर का मेन उद्देश्य है जो है सस्पेंस। जो लोग अफवाह फैलाते हैं उससे कितना बड़ा इससे लोगों का नुकसान होता है, मेन पिक्चर का ये इसमें रोल है। और इसी पे, इसी सस्पेंस के ऊपर ये शुरू से लेकर आखिर तक ये पिक्चर बनाई जा रही है। और मुझे आशा है कि आप सभी का अगर आशीर्वाद रहा और रहा तो जनपद सीतापुर जब सीतापुर जनपद में फिल्म बनाने जा रहे हैं, क्या नाम है और क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, लोगों में क्या प्रेरणा मिलेगी? मैं जो फिल्म बनाने जा रहा हूँ, इस फिल्म का, इस फिल्म के माध्यम से मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ जो आजकल जो समाज में अफवाहें फैलती है, लोग उन पर भरोसा कर लेते हैं और वो एक अंधविश्वास, उस अंधविश्वास को दूर करना, यही मेरी मूवी का मैसेज है, संदेश। सीतापुर जनपद में इससे पहले भी आप फिल्म बना? नहीं, ये मैं पहली बार आया हूँ
और ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, तो ऐसे तीर्थ स्थान के दर्शन करना है मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी जगह ये फिल्म बनाऊँ कि ऐसे तीर्थ स्थान जितने भी देवी देवताओं के सबका आशीर्वाद मिले। और सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने शिल्पा श्रीपाल जी वर्मा का, जिन्होंने हमें यह मौका दिया और पूरा इस फिल्म के हमारे सहयोग कर रहे हैं हर तरह से, उनका हाथ हमारे सर पे है और वही पूरा अब फिल्म के माध्यम से लोगों को कोई संदेश भेजें। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि दुनिया भर में जितनी अफवाहें चल रही हैं या कर रहे हैं लोग, वो अफवाहों को लोग ध्यान ना दें और सच्चाई जानने की कोशिश करें। गलत बताइए। बस मैं यही बताना चाहूंगी कि इस फिल्म जो अफवाह है, इस अफवाह में जिस अफवाह के पीछे ये लोग आ रहे हैं वो अफवाह मैं हूँ। और मैं इसमें जो कैरेक्टर का नाम है वो क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल मैं हूँ। और मैं इसमें वो जिस अफवाह की लोग बात कर रहे हैं, जिसके पीछे लोग दौड़ रहे हैं, पूरी फिल्म जो चल रही है वो अफवाह मैं हूँ, बस इतना ही कहना। सीतापुर में आप पहली बार आए हैं? जी, मैं सीतापुर पहली बार आई हूँ और मुझे यहाँ आके वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार लोग हैं और जो कोऑपरेट कर रहे हैं इस स्टूडियो। इससे पहले कहीं और फिल्मों में काम किया है? जी, मैंने किया है, एज ए प्रोड्यूसर में रही हूँ, एक्टर में मैं फर्स्ट टाइम ये कर रही हूँ। और इसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था। इस फिल्म में काम करके आपको कैसा लग रहा है सीतापुर की धरती पे? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं बताऊं आपको कि मैं यहाँ तक कभी नहीं आई हूँ, मैंने दर्शन भी यहाँ कभी नहीं किया, लेकिन जब मैंने सुना कि यहाँ पर एक मंदिर है और ऐसा है तो मैं ना अंदर से तो खुश हो गई कि चलो ठीक है, कम से कम इससे काम भी होगा और हम भगवान के दर्शन भी कर पाएंगे।